सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल ड्राइंग स्टडी को और बेल के आइकन को दबा दें, साथ ही ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। को मेरा राम राम। सिक्स क्लास में आज हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 31 में हमें तीन प्रश्न दिए हैं, ये सेट स्क्वायर वाला है। तो पहला है ए बी रेखा पर बिंदु डी पर सेट स्क्वायर द्वारा 135 डिग्री का कोण बनाओ। तो सबसे पहला हम बनाते हैं और इसके लिए हम एक रेखा ले लेते हैं। यहाँ पे मैं तीनों क्रम वाइज यहीं पे करवाऊंगा इसी शीट पे। तो यहाँ से पहला हम ले लेते हैं, मैं थोड़ा ऊपर इसको करवा देता हूँ, यहाँ पे यहाँ जैसे मैं इसको करा देता हूँ। ये आपका पहला है इसमें ये हमारे पास रेखा है ए बी और ये कह रहा है कि इसमें पॉइंट है एक डी। तो ये हम यहाँ पे ले लेते हैं, डी पॉइंट है। ये कह रहा है कि डी पॉइंट पे आपने एक 135 डिग्री का कोण बनाना है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो आपका सेट स्क्वायर है इसमें ये कोण 90 डिग्री का है, ये 45 का है, ये भी 45 का है। तो 135 डिग्री का अगर हम बनाते हैं तो यदि हम यहाँ से सर्कल लगाते हैं, हाफ सर्कल हम लगाते हैं, वो होता है 180 डिग्री का। 180 डिग्री से यदि हम 45 घटा दें, यहाँ से हम 45 घटा देते हैं तो ये हमारा रह जाता है 135। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ से 45 डिग्री, ये जो आपका 45 डिग्री है ना, यहाँ पे हम रेखा लगाते हैं। ये जो आपकी रेखा आएगी ये आपकी आएगी 45 डिग्री की। तो जो हमारा ये कोण बनता है, ये जो आपका कोण बनता है, ये बनता है 135 डिग्री का। ये इस तरह से ये हमारा बन गया 135 डिग्री का और ये हमारा है 45 डिग्री का। इसी तरह से हम बनाएंगे दूसरा है ए बी रेखा पर बिंदु डी पर सेट स्क्वायर द्वारा 150 डिग्री का कोण बनाओ। तो हम क्या करेंगे, एक रेखा ले लेते हैं, यहां से एक ए बी रेखा ले लेते हैं और इस रेखा को हम आगे बढ़ा देंगे इस तरह से। इसमें हम पॉइंट दे देते हैं, ये आपका ए, ये आपका आ जाता है यहां से बी और यहां हम नाम दे देते हैं इसका पी। अब ये कह रहा है 150 डिग्री का कोण बनाना है। तो ये जो आपका सेट स्क्वायर है, ये मैं बता दूं, इसमें ये कोण 90 डिग्री का है, ये आपका 60 डिग्री का, ये आपका 30 डिग्री का। तो यदि हमारे पास हाफ सर्कल कितने का होता है, 180 डिग्री का। यदि हमारे पास हाफ सर्कल 180 का होता है तो 150 हमने उसमें से घटाना है। तो यहाँ हमें कोण चाहिए 30 डिग्री का, कितना चाहिए 30 डिग्री का। तो ये जो आपका कोण है ये 30 डिग्री का है। इस तरह से हम यहाँ पे सेट स्क्वायर लगाएंगे इस तरह से और हम यहाँ से लाइन लगा देंगे। थोड़ा हम पीछे ले लेते हैं यहाँ से स्क्वायर इस तरह से। ये जो हमारा कोण बन गया ये हमारा बना 30 डिग्री का और ये जो कोण बना ये बना हमारा 150 डिग्री का। तो मैं यहाँ पे चाप लगा देता हूँ इस तरह से। यहां हम लिख देंगे 150 डिग्री और ये हम लिख देंगे यहाँ पे 30 डिग्री। एक चीज मैं आपको और क्लियर करना चाहता हूँ कि जरूरी नहीं है कि आपने यहाँ पे पूरा सेट स्क्वायर छाप देना है, ये जरूरी नहीं कि पूरा सेट स्क्वायर छाप दो आप, यहाँ पे नहीं छापना है ये, आपने ये आपका जो एंगल होगा ये सही होना चाहिए बस। इसका मतलब क्योंकि मैंने पीछे भी एक कोण करवाया था इस तरह का, अष्टभुज करवाया था मैंने 8वीं कक्षा में, तो मुझे कई कमेंट आए यूट्यूब पे कि सर आपने तो गलत बना दिया ये। फिर जब मैंने उनसे कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि आपने पूरा सेट स्क्वायर नहीं बनाया। तो पूरे सेट स्क्वायर बनाने की जरूरत नहीं है, एंगल आपका सही होना चाहिए। यहाँ जो हमने एंगल लिया है ये यदि आपका एंगल सही है तो आपका कोण सही है, इसको आप कोई गलत नहीं कर सकता इसको। यहाँ आपका ये बी पॉइंट आ रहा है तो इस तरह से ये आपका बिल्कुल सही है, गलत नहीं इसको कोई कर सकता। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पूरा सेट स्क्वायर छापने की जरूरत नहीं है। और अब हम बनाते हैं तीसरा
तीसरा आपका है ए बी रेखा पर बिंदु डी पर सर्स्क्वायर द्वारा 120 डिग्री का कोण बनाओ। तो सर्स्क्वायर द्वारा हमने 120 डिग्री का कोण कैसे बनाना है ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम ले लेते हैं यहाँ पे ए बी रेखा, ये आपकी ए बी रेखा है, मैं यहां नाम देता हूं ए और बी, ये हमने दे दी है ए बी रेखा। अब इस पे पॉइंट है हमारे पास एक, यहां पे हम ले लेते हैं डी, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, इस पे हमने बनाना 120 डिग्री का, तो ये आपकी जो सेट स्क्वायर है ये हमारी यूज होगी। इसमें मैंने आपको बताया था 90, 60 और 130, ठीक है 90, 60 और 30। तो जब हम 120 का बनाएंगे तो 180 में से जब हम 60 घटाएंगे तो हमारे पास रह जाएगा 120। तो हम 60 का कोण इधर को इस तरह का 60 वाला जो एंगल है ना ये, इसको हम लगाएंगे बिल्कुल पूरा लाइन के साथ, और यहाँ से हम लाइन लगा देंगे इस तरह से 60 डिग्री की, ये आप देख सकते हैं ये। और अब हम यहाँ पे भी चाप लगा देंगे इस तरह से, ये आप देख सकते हैं ये जो आपका कोण बनेगा ये हमारा बन गया 120 डिग्री, तो ये हमारा है 60 डिग्री। तो यदि आप चाहो तो यहाँ पे पूरा सेट स्क्वायर छाप सकते हो, पर जरूरत नहीं है, यहाँ पे सेट स्क्वायर छापने की जरूरत नहीं है, आपका एंगल जो है ये बिल्कुल सही है, वैसे भी आपका एंगल बिल्कुल सही है। तो ये आपका पूरा जो है वो 31 नंबर क्वेश्चन का पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों कोण आपके बन के तैयार हो गए।